ये वीडियो कंटेक्ट सेकंड एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, विभिन्न सेमेस्टर में ये पेपर है। इसके अलावा बीकॉम स्टूडेंट, सीए स्टूडेंट और जो अन्य लोग हैं, जो कॉमर्स की जानकारी रखने वाले लोग हैं या उसमें रुचि रखते हैं, उनके लिए भी उपयोगी हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को की मदद ले रहे हैं वो सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए लें, पूरी स्टडी पर्पस के लिए ये वीडियो नहीं है। सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए ही या एक पूरे सिलेबस की एक शॉर्ट जानकारी देने के लिए ये वीडियो काम में लाया जा सकता है। तो हम कंटेक्ट सेकंड की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले बात आती है इंडेमनिटी की। इंडेमनिटी क्या होता है? क्षतिपूर्ति की संविदा जिसे इंडेमनिटी कहते हैं। इसमें इंडियन कंटेक्ट एक्ट की धारा 124 और 125 है, सेक्शन 124 एंड 125। 124 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। अब डेफिनेशन क्या है, ये इंडेमनिटी होती क्या है, इसके बारे में आप 124 पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो अगर हिंदी में देखें तो वो संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, यानी पक्षकार मतलब पार्टी, एक पार्टी दूसरी पार्टी को स्वयं वचनदाता के आचरण से, जो वचनदाता है, जो प्रोमिसर है, उसके आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण यानी कंडक्ट से कोई दूसरे पक्षकार को जो हानि होती है, नुकसान होता है, उससे बचाने का वचन देता है, उसे हम क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। यानी दूसरे व्यक्ति को नुकसान अगर हो रहा है उसको बचाने की हमने एक जो है प्रॉमिस किया, एक वचन दिया, उसे इंडेमनिटी कहते हैं। अब क्या होगा इंडेमनिटी में, दो चीज़ें होंगी, एक तो क्षतिपूर्ति का वायदा, यानी जो है वो इसके नुकसान का वायदा करेगा कि भाई नुकसान की पूर्ति मैं करूँगा, और दूसरा उन केसों में जिसमें वचनदाता या किसी अन्य के आचरण से कोई नुकसान, किसी अन्य के आचरण से नुकसान होता है, सी के आचरण से नुकसान हो रहा है बी को, तो ए ने जो है उसकी गारंटी दी एक तरीके से, तो वो इंडेमनिटी होगी। ठीक है, अब उसका राइट क्या होगा जिसकी गारंटी हमने दी, जिसको अगर मान लीजिए नुकसान हो गया, तो ये सेक्शन 125 में लिखा है नुकसान तीन तरह के उसे राइट होंगे। एक तो पहले वो नुकसान की भरपाई करेगा, और दूसरा अगर नुकसान कम करने के लिए उसने कोई खर्चे किए हैं तो उसकी भरपाई करेगा क्योंकि उसका ही फायदा होना है उसको, और तीसरा ये कि अगर कोई उसमें कंपोजिशन हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है, समझौता हो जाता है, तो उस समझौते के अंतर्गत जो है पैसा उसको देना पड़ेगा उसकी वो गारंटी देगा, उसका भी जो है उसे अधिकार होगा। तो ये तीन तरह के अधिकार इसमें रहते हैं, ये हुई है हमारी इंडेमनिटी। अब दूसरा हुआ कंटेक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी का कंटेक्ट प्रत्याभूति की संविदा हिंदी में कहते हैं। इसमें जो है इंडियन कंटेक्ट एक्ट की सेक्शन 126 से 147 तक 126 to 147 इसके प्रोविज़न किए गए हैं। अब इसकी डेफिनेशन जो है 126 में दी गई है, जिसे हिंदी में अगर देखें तो प्रत्याभूति की संविदा किसी व्यक्ति पर द्वारा व्यतिकरण यानी डिफ़ॉल्ट करने पर, डिफ़ॉल्ट की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व के निर्वहन करने की संविदा है। इसमें तीन पार्टी होती हैं, इसमें भी ये भी 126 में ही लिखा हुआ है, एक प्रतिभू, ठीक है, दूसरा यानी गारंटर, दूसरा मूल ऋणी, इसे मान लिया जाता है भले ही उसका ऋण ना हो, प्रिंसिपल डेप्टर, और तीसरा लेनदार, जो लेनदार है जो है मूल ऋणी मान लिया और लेनदार, जो लेनदार है वो तीसरा हो गया। ठीक, ये तीन पार्टी इसमें हो गई। अब इसमें क्या होना चाहिए, एक तो मूल ऋण मान लिया जाता है कि प्रिंसिपल डेप्ट है, दूसरा प्रतिफल ज़रूर होना चाहिए कि कंपनसेशन होना चाहिए कि हाँ जो है उसे क्या करना है, और जो कंसेंट है वो मिसरिप्रेजेंटेशन से नहीं होनी चाहिए। 142 मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है
कोई उसे बताया गया, गारंटी आपने दिलवाई किसी की और उसे बताया कुछ गया और आप गारंटी किसी चीज़ की और के लिए रहे, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया। वो ये समझ रहा है कि साहब आप गारंटी जो है ट्रक खरीदने के लिए ले रहे हैं और आपने पता चला डंपर खरीद लिया, ये मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया। या आपने व्हीकल लोन लिया उसमें आपकी गारंटी स्कूटर की है और आपने खरीद ली कार, मिसरिप्रेजेंटेशन करके। तीसरी बात, ये साइलेंस नहीं होना चाहिए, उसे क्लियर होना चाहिए कि भाई पता चला आप दोनों मिले और तीसरे की गारंटी जो लेनी है उसे साइलेंस से ले लिया, मतलब उसे बताया ही नहीं उसको, तो उसे जब पता नहीं होगा तो 143 में वो वाइड हो जाएगी मिसरिप्रेजेंटेशन से गारंटी। अब सवाल ये है कि अभी हमने इससे पहले देखा था कि इंडेमनिटी और गारंटी में दोनों में फ़र्क क्या है, मैं दोनों बिल्कुल एक सी लग रही हैं कि उसमें भी गारंटी है, उसमें भी नुकसान हो रहा है, इसमें भी नुकसान हो रहा है और नुकसान की भरपाई हो रही है। तो सबसे पहली बात जो है इसमें जो गारंटी का कंट्रैक्ट है जो अभी हमने बताया बाद में 126 से 147 तक वाला, उसमें तीन पार्टी होती हैं, एक जो है प्रतिभू हुआ, गारंटर हुआ, दूसरा जो है प्रिंसिपल डेप्टर हुआ और तीसरा लेनदार हुआ। जबकि जो वो होता है उसमें टू ही पार्टी होती है, इंडेमनीफायर, जो इंडेमनीफाइड कर रहा है वो और जिसका जिसके लिए कर रहा है, जिसको कर रहा है वो, बस दो ही पार्टी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसमें गारंटी में प्रिंसिपल डेप्टर मान लिया जाता है कि प्रिंसिपल डेप्ट है, सपोज कर लिया जाता है, ठीक है। इसलिए उसमें, जबकि इंडेमनिटी में ये नहीं होता है। तीसरी बात ये है कि सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर्स होती है, के लिए जो है एग्जिस्ट करती है यहाँ पर गारंटी में, जबकि वहाँ पर रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस होता है कि लॉस की भरपाई करनी है। और चौथी बात ये है कि गारंटी के मामले में जब गारंटर पैसा दे देता है तो गारंटर का अधिकार हो जाता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट जिसने पैसा लिया था, प्रिंसिपल डेप्टर के अगेंस्ट खुद अधिकार उसका हो जाता है कि वो उसकी वसूली जो उसके लिए उसने पैसा दिया है गारंटी के तौर पे, गारंटी की वजह से वो उससे वसूल कर सकता है, जबकि अब जो है इंडेमनिटी में ऐसा कोई राइट उसे नहीं मिलता है। इसके बाद जो गारंटी में है लायबिलिटी सेकेंडरी होती है कि लायबिलिटी जो है अगर मान लीजिए वो नहीं देगा तब गारंटर की लायबिलिटी होगी, सीधे लायबिलिटी नहीं होती है। जबकि इंडेमनीफायर की जो लायबिलिटी है इंडेमनिटी में वो डायरेक्ट है, इसमें तो अगर नहीं देगा तब होगी नहीं तो नहीं होगी, ठीक। साथ ही इंग्लिश लॉ में जो गारंटी का एग्रीमेंट है वो जो है रिटिन होना चाहिए, और जबकि इंडेमनिटी में ये रिटिन होना ज़रूरी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कंटिन्यूइंग गारंटी हो सकती है? यस, 129 ये कहती है कि कंटिन्यूइंग गारंटी हो सकती है कि भाई लगातार चले, कि आप बैंक से एक जो है सीसी लिमिट लेते हैं जिसमें बार बार पैसा लेते हैं, बार बार पैसा लेते हैं, तो बैंक एक गारंटी ले लेता है तो वो चलत प्रतिभूति कहलाती है, यानी कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक। अब कंटिन्यूइंग गारंटी आपने दे दी एक को, एक व्यक्ति के मामले में, और आपको लगा कि भाई ये दोस्ती बढ़िया नहीं निकली और ये जो है ईमानदारी से पैसा देगा नहीं, या इसके ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि ये सब गड़बड़ हो गया है, इसका लोन वोन वो जो है बिजनेस वजनेस चल नहीं रहा है और ये ज़रा भारी पड़ जाएगी, तो इसे रिवोकेशन कह सकते हैं, वापस भी ले सकते हैं, उस गारंटी को ख़त्म कर सकते हैं। कैसे ख़त्म कर सकते हैं? 130 कहती है कि हाँ वापसी ले सकते हैं, 130 सेक्शन है इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट की, भाई पहली बात ये क्रेडिटर्स को आप नोटिस दे रहे हैं, जिसने पैसा दे रखा है उसको एक नोटिस देंगे लिखित में कि भाई मैं गारंटी अपनी समाप्त करना चाहता हूँ, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर जो जिसने पैसा लिया है मूल ऋणी जो है उसकी डेथ हो जाती है और कोई कोई इसके अगेंस्ट जो है कंट्रैक्ट नहीं है तो भी गारंटी समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है 131। लेकिन अगर कंट्रैक्ट है कि साहब जो है जैसे बैंक की गारंटी में होता है कि उसके जो उत्तराधिकारी हैं उन पे भी लागू होगा तो वो गारंटी लागू होगी,
नहीं तो उसकी मृत्यु हो गई तो वो गारंटी ऑटोमेटिक खत्म हो गई। 133 कहती है कि टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाएंगी तो भी गारंटी वापस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो लोन है, जो प्रिंसिपल डेब्ट है, उसको जो है दे दिया जाए तो भी गारंटी खत्म हो जाएगी, या पुराने के स्थान पे कोई नया लोन ले लिया जाए तब भी गारंटी खत्म हो जाएगी। भी नई टर्म्स एंड कंडीशन आ गई तो भी जो है गारंटी खत्म हो जाएगी। 135 ये कहती है, 135, कंपोजिशन हो जाए या एक्सटेंट हो जाए एग्रीमेंट का तो भी गारंटियर वो गारंटी लागू नहीं होगी, नई गारंटी उसमें लेनी पड़ेगी। क्रेडिटर्स के एक्ट और ओमिशन से कि कोई काम करने से या कोई काम ना करने से लेनदार को का जो है वो ही ऋण खत्म हो जाए या उसके पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाए तो भी गारंटी जो है एक तरह से खत्म हो जाती है। एक 141 कहती है कि लॉस ऑफ सिक्योरिटी हो जाए कि जो उसकी उसे हमने सिक्योरिटी दी थी वही लॉस हो जाए तो भी गारंटी खत्म हो जाएगी। तो इन कंडीशन में गारंटी खत्म। कंटेक्ट ऑफ बेलमेंट, ये इंडियन कंटेक्ट एक्ट की सेक्शन 148 से 171 तक है इसके प्रोविजन 148 to 171। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति 148 में इसकी डेफिनेशन दी गई है उसके में ये है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिदान यानी डिलीवरी करता है कि जब वो प्रयोजन पर्पस पूरा हो जाए तो उसे लौटा दिया जाएगा, और या तो लौटा दिया जाएगा या जो परिदान करने वाला है यानी डिलीवरी करने वाला व्यक्ति है उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसे अन्य व्यक्ति को दे दिया जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो दे रहा है वो उपनिधाता कहलाता है हिंदी में, वो बेलर जिसे कहते हैं, और जो जिसे वो माल दिया जा रहा है वो बेली कहलाता है, उपनिहिति। अब इसमें क्या हुआ, तीन चीज़ें हुई कि एक तो पहले माल का परिदान होना चाहिए, माल की डिलीवरी होनी चाहिए, दूसरा ये कि जो बेली है वो उसे रिटर्न करेगा, और जो है ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही हो सकता है, ये जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठता है कि उपनिहिति है जो बेली है उसकी क्या ड्यूटी होगी जिसे हमने माल दिया है। सबसे पहली बात ये 151 में सेक्शन 151 में वो उस माल की देखरेख करेगा। तो दूसरा जो उसका कर्तव्य है वो ये है कि वो अवैध रूप से उसे प्रयोग नहीं करने देगा, ये 154 में है। तीसरा कर्तव्य है कि वो अपने माल के साथ उस माल को नहीं मिलाएगा, ये 155 का कर्तव्य है। उसके बाद टाइटल ना बनाना भी उसका एक कर्तव्य है कि वो उसका अलग से कोई टाइटल नहीं बना लेगा, उसे जैसी स्थिति में है जो टाइटल है वही रखेगा, मतलब अपना उसमें अधिकार नहीं कर लेगा। इसके बाद माल की वापसी उसका कर्तव्य है 160 में, और अगर उसे वापसी ना करने से कोई नुकसान होगा तो 161 के अनुसार उसे वो नुकसान की भी भरपाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक कर्तव्य है कि अगर वृद्धि हुई है उसमें तो वो भी वापसी करेगा 163 में। जैसे एक गाय दिया आपने दूसरे व्यक्ति को और उसका उस बीच में जब रखी आपने तो वो बछड़ा हो गया, तो वो बछड़ा भी उसी मालिक का होगा, ना कि वो ये कहे कि साहब ये तो इस पीरियड में हुआ, ये मेरा हो गया। अब राइट क्या होंगे बेलर के जिसने दिया है, एक पहली बात ये कि वो नुकसान प्राप्त करने का दायित्व होगा, अगर उसने अपना टाइटल कर लिया तो नुकसान जो होगा उसे 164 में उसे उसका अधिकार होगा। अगर कमियां छुपाने से, ये बेली के राइट हम बता रहे हैं कि बेली के क्या राइट होंगे, तो नुकसान प्राप्त करने का दायित्व जो है उसका है, बेलर का है तो इसलिए अधिकार हो गया है उसका, नुकसान प्राप्त कर लेगा अगर उसके टाइटल ना होने की वजह से कोई नुकसान हुए हैं, मतलब बेली की बात कर रहे हैं उपनिहिति की 164 में।
अगर कमियां छुपा के दी हूँ उस वस्तु की उसने, और उससे कोई नुकसान हुआ जिसे हमने दी वस्तु, तो वो उसके नुकसान की भरपाई कर लेगा 150 में। अगर कमियों के और कमियां छिपाने से ये तो नुकसान हुआ, और उन कमियों से नुकसान हुआ तो भी उसकी भरपाई करेगा। दोनों चीज़ें, एक कमियां छिपाई, एक उसकी कमियों से नुकसान हुआ, और जो आवश्यक खर्चे होंगे उसकी भरपाई करने का भी उसे अधिकार होगा 158 में। साथ ही साथ धारण करने का अधिकार होगा अगर खर्चों की वसूली के लिए, अगर वो खर्चे जो उसके हुए और वो नहीं देता है मालिक जिसके जिसका सामान है, तो वो उसे के खर्चों की वसूली के लिए धारणा अधिकार यानी उस वस्तु को अपने पास रखे रहेगा, वो अधिकार होगा जब तक वो पैसा या खर्चे जो हैं उसे प्राप्त ना हो जाएं। ये 170 और 171 में अधिकार होता है। एक वाद करने का अधिकार होगा इस बात के लिए 180 कि अन्य व्यक्ति को वो प्रयोग से रोके। अब ड्यूटीज़ क्या होंगी बेलर की, कि भाई बेलर क्या करेगा, तो एक सीधी सी बात यह है कि जो एक के राइट होते हैं वो दूसरे के कर्तव्य होते हैं। तो एक तो पहला कर्तव्य ये जो है ड्यूटी हुई, इसका कर्तव्य हुआ बेलर का जिसने माल दिया है, उसका कर्तव्य है उपनिधाता का जिसे हम कह रहे हैं, वो कमियां बताएगा। जब हम वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कमियों का नुकसान वो वसूल लेगा, क्यों, इसका कर्तव्य ये है कमियां बताएगा, और कंट्रैक्ट के बाद जो है वो वापस उस वस्तु को ले लेगा जो है, अगर वापस नहीं लेगा तो उसके खर्चों का भी वो भुगतान करेगा। और तीसरा ये है कि टाइटल ना होने पर उसके जो नुकसान होंगे उसका भरपाई करेगा, भाई वस्तु उसकी है नहीं और उसने उसे यूज़ करने को दे दी, तीसरे आदमी ने जिसकी वस्तु है उसने दावा कर दिया, तो उसकी भरपाई जो है ये उस मालिक ही करेगा। अब अगला है कंट्रैक्ट ऑफ प्लेज, गिरवी। इसमें एक सेक्शन 172 से 181 तक इसकी प्रोविज़न है। 172 में ये कहा गया, इसकी डेफिनेशन दी गई, किसी ऋण के संदाय के लिए, पेट करने के लिए किसी लोन को, या वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। मतलब ये दो चीज़ें यहाँ हो गई, एक तो प्रतिभूति हो गई, गारंटी हो गई, और वो एक बेलमेंट हो गया। बेलमेंट माल दे रहे हैं और गारंटी, मतलब इसमें जो हमने पहले पढ़ा जो है दोनों चीज़ें वो दोनों आ गई, गारंटी भी होगी और माल भी होगा, तो गारंटी के लिए जो माल दे रहे हैं वो गिरवी कहलाता है। इस दशा में जो है उपनिधाता को जो है जो बेलर होता है उसे पानर कहते हैं, और उपनिहिति बेली को पावनी कहलाता है। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, तत्व क्या होते हैं, चार तत्व होते हैं इसमें। पहला पोजिशन का ट्रांसफ़र होगा एक बार, दूसरा ये है कि इसलिए होगा ये कि जो सिक्योरिटी डेप्ट की सिक्योरिटी के लिए, कि उधर जो उधार है उसकी सिक्योरिटी के लिए, और तीसरा जो है उसे रिटेन करने का अधिकार होगा जब तक कि वो जो है लोन क्लियर ना कर दिया जाए, डेप्ट ख़त्म ना कर दिया जाए, और स्पेशल इंटरेस्ट पाने का अधिकार भी पावनी का होगा, यानी जिसके को हम संपत्ति रखें। अब राइट टू पावनी क्या होगा, कि पावनर क्या होगा जिसे ने जो है वस्तु गिरवी रखी है, उसका क्या अधिकार होगा, उसका सेक्शन 177 में एक ही अधिकार है कि वो अपनी वस्तु उसकी रहेगी और उसे वापस लेने का अधिकार होगा लोन का भुगतान करने के बाद। अब राइट टू पावनी क्या होगा, राइट टू पावनी जो है वो होगा कि जिसे जिसको दी है हमने संपत्ति उसे क्या क्या अधिकार होंगे, तो उसके तीन अधिकार होंगे। एक तो उसे वस्तु रखने का अधिकार है 173 में, ठीक है, और उसके में जो खर्च होगा उसे खर्च लेने का भी अधिकार है 175 में, और तीसरा जो अधिकार 176 में है वो ये है कि वाद लाने, गिरवी रखने और नोटिस के बाद उसे बिक्री करने का, कि नोटिस अगर दे के उसे वो बेच भी सकता है कि भाई आप लोन नहीं दे रहे इसलिए मैं इसे बेच रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट होने पे उसे वो बेच सकता है लेकिन नोटिस के बाद। तो ये अधिकार पावनी के होते हैं। अब बात करते हैं हम कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की। ये सेक्शन 182 से 238 तक प्रोविज़न है इसमें, 182 238।
एजेंसी जो होती है उसमें दो लोग होते हैं, एक एजेंट होता है एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन 182 में दी गई है, उसमें कहा गया है कि अभिकर्ता यानी एजेंट वो व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से संव्यवहारों यानी ट्रांजैक्शन में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है, एम्प्लाई है। यानी किसी आपने एक आदमी को ये पावर दे दी कि सब वो हमारा रिप्रेजेंटेशन करेगा या हमारी ओर से ये काम करेगा। वो व्यक्ति जिसके लिए ऐसा काम किया जाता है या जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है वो मालिक यानी प्रिंसिपल कहलाता है, ठीक है। अब सवाल ये उठा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें 5 तत्व हैं इसके एजेंसी के। पहले तो इम्प्लाइड बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने इम्प्लाइड कर दिया कि साहब ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, हमारी तरफ से काम करेगा। अब उसे प्रिंसिपल ने को अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी कि उस वो ये काम करने का अधिकार होगा और उसके लिए जिम्मेदार जो है वो मालिक होगा। अब आंसरेबल जो होगा उसके लिए, वो जो भी काम करेगा उसके लिए वो मालिक आंसरेबल होगा, ये भी वो लिखेगा। और इसमें जो है एक सेक्शन जो लीगल जो है एक पावर दे दी जाती है उसको। और 5वीं बात यह है कि इसमें कंसीडरेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसमें प्रतिफल नहीं होता है। 185 में अगर बिना पैसों के भी उसने बनाया है तो कोई बात नहीं, जब वो मान लीजिए हमने बनाया कि ये काम करेगा उस पर उसे कमीशन लेना है तो वो जब काम होगा तब कमीशन मिलेगा उसे, वो जितनी भी बात करेगा उसके लिए कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। अब इस तरह के इनके जो है कई सारे टाइप होते हैं एजेंट के, जैसे डेल क्रेडर एजेंट हुआ, कमीशन एजेंट हुआ, फैक्टर हुआ, ब्रोकर हुआ, को एजेंट हुआ, इस तरह के एजेंट होते हैं। अब सवाल ये है कि एजेंट के राइट क्या होंगे। इसमें सबसे पहले तो एजेंट का राइट होगा 217 में, राइट टू रिटेनर, उसे एजेंसी रखने का अधिकार होगा। दूसरा रिमुनरेशन का अधिकार होगा 219 में, कंसिडरेशन भले ही नहीं है, रिमुनरेशन मिलेगा उसे वो जो काम करेगा 219 में। अगर रिमुनरेशन का कोई क्लाज नहीं है जो है उसकी कंट्रैक्ट में तो उसे कमीशन मिलेगा, ये 219 और 220 में कहा गया है। राइट टू लियन होगा, जो वस्तुएं उसे एजेंट के तौर पर सौंपी गई हैं उसे रखने का अधिकार होगा। राइट टू बी इंडेमनीफाइड होगा कि वो जो काम करेगा वो मालिक उससे इंडेमनीफाई करेगा, इंडेमनिटी उसकी मालिक की होगी, ये 222 में जो होगा। और साथ में राइट टू बी इंडेमनिटीफाई होगा कि एजेंट को जो कंसिक्वेंसल जो है उसके कामों से नुकसान होंगे और उससे जो नुकसान होगा वो भी उसका नुकसान उसे जो है राइट होगा उसकी वसूली का 223 में। लेकिन आपराधिक कोई काम का, भले ही उसने कहा हो उसे आपराधिक कार्य करने को, उसको इंडेमनीफाई करने का अधिकार वो जो है वो नहीं होगा 224 में। क्रिमिनल एक्ट हो सकता है कि एक्ट में ये प्रोविज़न हो कि इस क्रिमिनल एक्ट के लिए वो भी जिम्मेदार हो, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि साहब मैं जिम्मेदार नहीं हूँ एजेंट और ये मालिक जिम्मेदार है क्योंकि मालिक ने इसे ऐसा करने को कहा था। अगर कोई क्रिमिनल एक्ट होता है तो क्रिमिनल एक्ट में दोनों जिम्मेदार होंगे, वो जो है एजेंट ये कह के बच नहीं पाएगा अपनी लाइबिलिटी से कि साहब ये तो जो है मालिक साहब ने कहा था और मैंने ऐसा कर दिया। अगर कोई बिना उपेक्षा के नुकसान होगा उसकी तो उसे भी कंपनसेशन प्राप्त करने का उसे अधिकार होगा, अगर वो नुकसान मालिक की उपेक्षा से, मालिक की नेग्लिजेंस से हुआ हो। पर्सनली जो है कोई लाभ एजेंट प्राप्त नहीं करेगा एडिशनली, ये सेक्शन 230 में प्रोविजन है। अब ये राइट हुए एजेंट के, तो यही अगर आप देखें तो जो उसके प्रिंसिपल के जो है कर्तव्य हो गए, जो राइट एजेंट के होते हैं एक के राइट होते हैं दूसरे के कर्तव्य हो जाते हैं। ये अब ड्यूटीज़ की हम बात करते हैं तो जो ड्यूटी एजेंट की है वो मालिक के राइट हो गए। अब ड्यूटी क्या है एजेंट की, सबसे पहले तो ये वाली बात है कि उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा मालिक के 211 में। दूसरी बात ये है कि रीजनेबल स्किल से जितनी जो है एक सामान्य व्यक्ति की स्किल होनी चाहिए उसे वो प्रयोग करेगा, वो ये नहीं कह सकता था मुझे तो समझ में नहीं आया, जो समझ में आना चाहिए उसे समझेगा सेक्शन 212 में।
अब तीसरी बात ये कि वो अपना अकाउंट बिल्कुल ठीक रखेगा इसका, कि भाई कौन सा कौन कितना सामान उसका आया, कितना माल आया, उसका जो भी अकाउंट है वो पूरा का पूरा रखेगा और वो अकाउंट उसको देगा। ये 213 में प्रोविजन है। जो काम करेगा वो जितनी अपनी क्षमता हो सकती है उस क्षमता के अनुसार ऑर्डिनरी प्रूडेंस का जो व्यक्ति करता उस हिसाब से करेगा। ये 214 में प्रोविजन है। पांचवे में वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि साहब वो अपने इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट कर लेगा। उसने भी एक फर्म बना ली वही उसी काम की, उसने अच्छा वाला जो ग्राहक है वो अपने यहाँ रख लिया और खराब वाला उसको भेज दिया, उसके यहाँ कर दिया, ये नहीं करेगा। 215 में प्रोविजन है। सीक्रेट प्रॉफिट जो है वो प्राप्त नहीं करेगा, और अगर कोई सीक्रेट प्रॉफिट होगा तो वो जो है उसे हैंडओवर करेगा। 216 जितना पैसा उसे जो प्राप्त करेगा वो जो है उसे हैंडओवर करेगा, जो भी रिसीव किया है उसे देना पड़ेगा। 218 में ये प्रोविजन है। और 190 में ये भी प्रोविजन है कि वो डेलीगेट नहीं करेगा अपनी किसी पावर को जब तक कि उस ऐसा कोई कंटेक्ट ना हो, 190 में। और नवी सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है एक ये कि अगर मान लीजिए मालिक की डेथ हो जाती है या वो मालिक पागल हो जाता है, प्रिंसिपल पागल हो जाता है, तो उसके इंटरेस्ट की उसके उत्तराधिकारियों को देने तक उसके इंटरेस्ट की जो हैं उसकी भी रक्षा वो ही करेगा। 209 में। इसके अलावा ये कंटेक्ट की बात हुई, कुछ यूनिवर्सिटीज ने पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी है, उसके लिए दोनों के लिए हमारे अलग वीडियो अवेलेबल है। थैंक यू।